हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए वेरी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग ऐसी जानकारी का अध्ययन करेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप जैसा कि जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग तीन डायरेक्टरी को बनाएंगे और उन तीनों डायरेक्टरी के अंदर तीन तीन फिर से डायरेक्टरी को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स हमारे द्वारा अपलोड किए गए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग तीन डायरेक्टरी को बना लेते हैं। देखिए, हमारा जो ये फ्रेंड्स डायरेक्टरी बनेगा वो लोकल डिस्क सी में बनेगा। एंड फ्रेंड्स, हम यहाँ से डायरेक्टरी को बनाकर उसको आपको लोकल डिस्क सी के अंदर ले चलकर दिखाएंगे कि हमारा डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना है या फिर नहीं बना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि डायरेक्टरी बनाने के लिए एमडी कमांड का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने इन सभी कमांड्स के ऊपर वीडियो बना दिया हूं, एंड उन सभी कमांड्स वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग तीन डायरेक्टरी को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टरी बनाने के लिए एमडी कमांड का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ एमडी, एंड उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद तीन डायरेक्टरी को बनाना हो। तो देखिए, मैं पहला डायरेक्टरी डबल ए नाम से बनाता हूँ, एंड दूसरा डायरेक्टरी जो डबल बी नाम से बना देता हूँ, एंड ट्रिपल मतलब तीसरा जो डायरेक्टरी हो डबल सी नाम से बनाकर इंटर की को प्रेस कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा देखिए तीन डायरेक्टरी बन गया, डबल ए डबल बी डबल सी नाम से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारा जो ये फर्स्ट डायरेक्टरी है डबल ए, इस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग तीन डायरेक्टरी और बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर टाइप करना होगा सी डी। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्टरी को चेंज कर लेते हैं, एंड स्पेस देने के बाद डबल ए टाइप करेंगे एंड इंटर की को प्रेस कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम देखिए डबल ए डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग तीन डायरेक्टरी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, तीन डायरेक्टरी फिर से बनाने के लिए हमें यहाँ पर स्पेस देना है, सॉरी स्पेस नहीं देना है, यहाँ पर हमें टाइप करना है एम डी। एंड फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि पता है कि एम डी कमांड्स की यूज से डायरेक्टरी को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्पेस देने के बाद यहाँ पर देखिए हम ए बी स्पेस दे देते हैं, बी सी, एंड फिर से स्पेस दे देते हैं, एंड सी डी। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा तीन डायरेक्टरी यहाँ पर आ गया है, ए बी बी सी सी डी। एंड अब हम इंटर की को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो डबल ए डायरेक्टरी है इसके अंदर तीन डायरेक्टरी फिर से ए बी बी सी सी डी नेम से क्रिएट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम नहीं चलकर देखते हैं, लेकिन अभी जब सभी डायरेक्टरी को बना लेंगे तो हम चलकर लोकल डिस्क सी के अंदर देखेंगे कि हमारा सभी डायरेक्टरी बना है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट डायरेक्टरी के अंदर तीन डायरेक्टरी बन गए हैं। अब हम सेकेंड डायरेक्टरी के अंदर चलकर डायरेक्टरी को बनाते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टरी में बैक आ जाते हैं। तो बैक आने के लिए यहाँ पर हमें टाइप करना होगा सी डी डॉट डॉट। तो फ्रेंड्स, सी डी डॉट डॉट का कमांड का यूज किया जाता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए। तो हम इंटर की को प्रेस करेंगे, तो देखिए हम डबल ए डायरेक्टरी से बाहर आ चुके हैं। अब हम लोग जो हमारा सेकंड डायरेक्टरी है बी बी डबल बी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऊपर डायरेक्टरी बनाया हूँ, अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा सी डी, एंड स्पेस देने के बाद डबल बी यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर की को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखिए डबल बी डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। अब फ्रेंड्स, हम इस डायरेक्टरी के अंदर तीन डायरेक्टरी और बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टरी बनाने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा एमडी, एमडी कमांड से डायरेक्टरी बनाया जाता है, एंड स्पेस देने के बाद जिस भी नाम से हमें डायरेक्टरी बनाना है उस नेम को यहाँ पर टाइप करेंगे। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डी ई, एंड स्पेस देता हूँ फिर ई एफ, उसके बाद फिर से स्पेस देता हूँ एफ जी। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा तीन डायरेक्टरी यहाँ पर नेम दे दिया हूँ डी ई ई एफ एफ जी। तो फ्रेंड्स, अब हम इंटर की को प्रेस करेंगे, तो हमारा ये जो डबल बी नाम का डायरेक्टरी है उसके अंदर फ्रेंड्स डी ई ई एफ एफ जी नाम का डायरेक्टरी कम क्रिएट हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, अब हम इस डबल बी डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे बाहर आने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा सी डी डॉट डॉट। तो फ्रेंड्स, सी डी डॉट डॉट
प्रेस करने के बाद यहाँ पर इंटर की को प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम डबल बी डायरेक्टरी से बाहर आ चुके हैं। अब हम जो हमारा डबल सी नाम का डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर टाइप करना होगा सीडी एंड स्पेस देने के बाद डबल सी यहाँ पर टाइप करना होगा एंड इंटर की को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखिए डबल सी डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जो है तीन डायरेक्टरी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि बनता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टरी बनाने के लिए फिर से हमें वही एमडी कमांड का यूज करना होगा। यहाँ पर हमें टाइप करना होगा एमडी एंड स्पेस देने के बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर डी ई ई एफ एफ जी नाम का डायरेक्टरी बी बी डायरेक्टरी के अंदर बना है। अब यहाँ पर हम फ्रेंड्स जी एच उसके बाद स्पेस दे देते हैं, आई जे स्पेस दे देते हैं, के एल, मतलब आप किसी भी नेम से डायरेक्टरी को बना सकते हैं। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आपको इसी नाम से डायरेक्टरी बनाना है। आप यहां पर किसी का नाम भी दे सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी नाम से आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है आप यहां पर उस नेम को टाइप करेंगे एंड फ्रेंड्स इंटर की को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा डबल सी डायरेक्टरी के अंदर हमारा तीन डायरेक्टरी जी एच आई जे के एल नाम से बन गया है। अब हम यहां से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा डायरेक्टरी बन के कम्प्लीट हुआ है या नहीं। एक कमांड होता है डी आई आर, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा डी आई आर एंड फ्रेंड्स इंटर की को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा देखिए यहाँ पर सभी डायरेक्टरी, कौन सा डायरेक्टरी कहाँ पर बना है, वो पूरा लिस्ट देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी के अंदर बना है। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप यहाँ से नहीं समझ पा सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज कर देता हूं एंड फ्रेंड्स यहां से देखिए हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर चलते हैं। यहाँ दिस पीसी देखिए है हमारे डेस्कटॉप पर, यहाँ से इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ से ओपन करने के बाद अब हम लोग लोकल डिस्क सी में चलते हैं एंड यहाँ पर देखिए लोकल डिस्क सी के अंदर यहाँ पर देखिए डबल ए डबल बी डबल सी नाम का तीन डायरेक्टरी बना है। अब हम लोग इन तीनों डायरेक्टरी के अंदर चलकर देखते हैं कि इन तीनों डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डबल ए डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। तो इस पर देखिए डबल क्लिक किया हूँ तो फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए तीन डायरेक्टरी बना है, डबल ए डबल बी डबल सी। यहाँ पर देखिए ए बी बी सी सी डी नाम का डायरेक्टरी, तीन डायरेक्टरी फ्रेंड्स इस डबल ए नाम के डायरेक्टरी के अंदर बना है। एंड फ्रेंड्स, अब हम लोग डबल बी वाले नाम के डायरेक्टरी के अंदर चलकर देखते हैं कि डायरेक्टरी बना है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डी ई ई एफ एफ जी नाम का तीन डायरेक्टरी, डबल बी डायरेक्टरी नाम के अंदर तीन डायरेक्टरी और बने हैं। एंड फ्रेंड्स, अब हमारा तीसरा डायरेक्टरी है डबल सी। तो फ्रेंड्स, इस डायरेक्टरी के अंदर भी चलकर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा डायरेक्टरी बना है। यहाँ पर भी देखिए जी एस आई जे के एल नाम का तीन डायरेक्टरी यहाँ पर देखिए बना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाना आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में तुरंत पूछेगा, आपको उसका सलूशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि फ्रेंड्स हमारे द्वारा अपलोड किए गए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।